मीठे भुट्टे की जो खेती है, जिसको हम लोग स्वीट कॉर्न भी कहते हैं, इसका आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जलवायु, छत्तीसगढ़ की मिट्टी दोनों ही मीठे खेती की जो उत्पादन है उसको हम साल भर ले सकते हैं और इसमें लाभ भी काफ़ी अच्छा है। और अभी आप देखेंगे कि लोगों का जो खाने का तरीका है वो थोड़ा चेंज हो रहा है। अब थोड़ा लोग जो हमारे नए युवा हैं, बच्चे हैं, और ख़ासकर जो शहरी क्षेत्र से जुड़े हुए बच्चे हैं, वो थोड़ा सा बाहरी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे इटालियन, चाइनीज़। तो इन सब में स्वीट कॉर्न का बहुत उपयोग होता है। आप स्वीट कॉर्न इतना अच्छा मीठा रहता है कि आप सिंपल भुट्टा खाएंगे और उसकी बजाय एक बार स्वीट कॉर्न का भुट्टा खाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक बार आपने जब मीठा भुट्टा का टेस्ट ले लिया तो फिर कोई भी हमारा जो सिंपल भुट्टा जो मार्केट में मिलता है, चाहे वो बॉयल करके मिले चाहे वो भूंज के मिले, फिर आप नहीं खाएंगे, आप मीठा भुट्टा ही प्रिफर करेंगे क्योंकि इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो सकुल गए हैं। सकुल गया है? अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम लहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी, अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाए ढेर सारे लाभ। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है, साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरम्भ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को
जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैनकाउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात 2 गुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। कृषि दर्शन के देखैया जम्मू संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। संगवारी हो, हमारे सजीव फोन इन में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो, ये बात ला आप सभी जन जानता हो कि खेती के 2 ही तरीका है, एक होते परंपरागत और दूसरा होते वैज्ञानिक। संगवारी हो, हमारे वैज्ञानिक भाई मन हाँ कोनो भी प्रकार के फसल में गहन अध्ययन करते, शोध करते, ओकर बाद प्रामाणिकता के साथ वाला आप मन ला बताते। तो संगवारी हो, गर्मी के समय में हमला दलहनी फसल मूंग और उड़द के खेती कैसे करना चाहिए, हमारा आज के विषय यही हवे। और संगवारी हो, ये विषय में आप मन हाँ हमारे जन विशेषज्ञ महोदय है ओकर से सीधा बात कर सकते हो हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए। हमारे टोल फ्री नंबर तो आप मन याद हो ही नहीं है तो एक बार और सुन लो। हमारे टोल फ्री नंबर हवे 1800-233-9418। संगवारी हो, हमारे आज के विषय में ढेर अकन गोट बात और चर्चा करे बार आज हमारे संग में हवे डॉक्टर दीपक चंद्राकर जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार। और हमारे किसान भाई मन के फोन आवा है ओकर ले पहली तो हम चर्चा ला शुरुआत करथन और सबले पहली यही जानबो कि दलहनी फसल के माध्यम से जिसे हम आज ग्रीष्मकाल में मूंग और उड़द के बात करबो कि ग्रीष्मकाल में हम ये फसल कैसे ले सकथन, तो हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ एला बहुत अच्छा तरीका से लिए जा सकते। यदि हम दलहनी फसल के बात करत हन तो हमार छत्तीसगढ़ के लगभग सारा जिला में ग्रीष्मकाल में मूंग एवं उड़द के खेती किसान भाई मन आसानी से कर सकते। एकर सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उचित किस्म के चुनाव करना है भूमि के आधार पे या क्षेत्र के आधार पे, बाकी लगभग सारा जिला में कर सकते। और विशेषकर मैदानी भाग में छत्तीसगढ़ के जो मैदानी भाग है जो रायपुर है, महासमुंद है, दुर्ग जिला है और ये धमतरी जिला है, यहाँ पे बिलासपुर जिला है, आसानी से बहुत सफलतापूर्वक वैज्ञानिक ढंग से खेती करके कम से कम 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के उपज प्राप्त कर सकते। जी जी जी, यानी कि कहा जाए कि जिसे अब मैदानी क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है ना, तो ये समय में अलग अलग माटी है तो वो माटी से हमारे जिन फसल है वो माँ कोई भी माटी में हम अच्छा तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर मट्टी के अगर हम बात करत हैं तो एला कन्हार भूमि में
उपयोग अगर करत है किसान भाई मन ओकर खेती करत है तो बहुत बढ़िया है। ढालयुक्त जमीन होना चाहिए ताकि पानी के जमाव हाँ नहीं होए। एकर जो मिट्टी के जो पीएच मान है वो हाँ उदासीन या 7 के आसपास होना चाहिए जी। तो ये जमीन हाँ अच्छा माने जाते और भरपूर उत्पादन देते, समतल होना चाहिए। यही बात ला ध्यान में रखे किसान भाई मन कर सकते। और विशेष तौर पे किसान भाई मन हाँ कन्हार मिट्टी जौन होते ओ में एकर सफलतापूर्वक खेती करते। कन्हार मिट्टी है और किसान भाई मन धान के जो मेड़ है उसमें भी वर्षा काल में कर सकते, लेकिन चूंकि ग्रीष्म काल में हम करत हन तो खेत में करन और उचित जल के माध्यम से सिंचाई के उपयोग व्यवस्था होना चाहिए, तभी हम एकर खेती कर सकथन। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बीज के हम बात करथन, जिसे मान लो तो कौन कौन से प्रकार है दलहनी फसल में, मूंग और उड़द के हम बात करत हन, तो ऐसे कौन कौन से प्रकार के मतलब बीज उपलब्ध हवे जेन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जमीन के हिसाब से काम आ सके। एकर बार हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, बहुत ही बढ़िया किस्म निकाले हैं। यदि हम मूंग के बात करत हन तो पैरी मूंग है, हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है निकाले है, जो कि बहुत ही उम्दा किस्म है मूंग के। एकर अलावा पूसा विशाल है, हम 12 है, हम 16 है, हम 1 है, BM4 ऐसे किस्म है जेकर किसान भाई मन अपन खेत में लगा सकते। यह रोग एवं कीट के प्रति रोधी होते। अच्छा। इसमें कीट के आक्रमण एवं रोग के जो आक्रमण है वह बहुत कम होते। एकर अलावा यदि हम उड़द के बात करत हन तो किसान भाई मन ला मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है एक बहुत ही बढ़िया किस्म निकाले है उड़द के, इंदिरा उड़द प्रथम। ये किस्म हाँ एक तो जो पीला पत्ती वाले जो बीमारी होते जेला हम YMB या येलो मोजाइक बीमारी बोलथन, ओकर प्रति रोगरोधी है। साथ ही साथ एकर जो दाना है वह सुडौल होते, बड़े दाना होते और लोकल आबोहवा में तैयार करे गए है तो कीट एवं बीमारी के आक्रमण हाँ इसमें बहुत ही कम होते। एकर अलावा उड़द के यदि हम और किस्म के बात करत हन तो TAU 2 किस्म है जो कि बहुत बढ़िया है। एकर अलावा TU 94-2 किस्म है, ये भी बहुत बढ़िया किस्म है और हमार छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिला पर उपयुक्त किस्म है। एकर अलावा एक अन्य किस्म है जो बहुत पुरानी किस्म है प्रज्ञा, जो हमार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निकाले गए है। साथ ही साथ बरखा किस्म है जेकर किसान भाई मन उपयोग करते। यदि हम 10 साल के अंदर के देखन तो इंदिरा उड़द प्रथम है, ये TAU 2 है, TPU 4 है, ये किस्म है जो कि विभिन्न परियोजना में भी किसान भाई मनला हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के तरफ से वितरित भी होते और कृषि विभाग के तरफ से भी FLD के रूप में किसान भाई मन के खेत में लगाए जाते। जी जी जी। जैसे डॉक्टर साहब आप बता रहे हो कि यह पहले से ही रोग रोधी होते, मतलब इमा रोग लगे के क्षमता कम होते, का ऐसन समय में या ऐसन प्रकार के बीज में बीज उपचार के जरूरत पड़ते कि नहीं पड़े, और पड़ते तो कैसे करना चाहिए? बिल्कुल, बीजोपचार के हमेशा किसान भाई मान ला जब भी चाहे दलहन हो, तिलहन हो या अन्न वाली फसल हो, जब भी किसान भाई मान अपन खेत में बुआई करत है तो बीजोपचार तो करना ही है ओला। काबर कि अगर कोई भी किस्म हाँ रोग रोधी है एकर मतलब ये नहीं कि 100% रोग रोधी है। वो लोकल क्लाइमेट एवं टेम्परेचर और आर्द्रता के आधार पे उसमें कीट पतंग के या बीमारी के आक्रमण हो सकते, किंतु यदि वह रोग रोधी किस्म है तो उसमें मतलब लगे रोग लगे के क्षमता मतलब विकास नहीं हो पाए वो रोगी कीट पतंग के। तो लेकिन बीजोपचार किसान भाई मन ला करना है। एकर बार किसान भाई मन रसायन के उपयोग कर सकते, इसमें कार्बन डाजिम है, एकर 2.5 से 3 ग्राम मात्रा लेना है और प्रति केजी बीज के हिसाब से ओला उपचारित करना है। ओकर बाद किसान भाई मन फंजीसाइड या फफूंदी नाशक से उपचार करे के बाद में राइजोबियम कल्चर है, जैव उर्वरक बोलथन, राइजोबियम कल्चर से किसान भाई मन उपचार कर सकते।
एक पीएसबी कल्चर है या स्फुर घोली जैव उर्वरक बोलथन, ये दोनों के 5-5 ग्राम मात्रा लेना है और प्रति केजी बीज के हिसाब से, या 200 ग्राम के पैकेट आते एला 1 हेक्टेयर के बीज पर किसान भाई मन उपचारित कर सकते। और ये जो राइजोबियम है और स्फुर घोली जो जैव उर्वरक है, ये हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आसानी से मिलते, एक रेट 15 से 20 रुपया प्रति पैकेट है। अच्छा, किसान भाई मन ला बिल्कुल लेना चाहिए और ताज़ा लेना चाहिए और उपयोग करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कोनो भी फसल पर खाद के प्रबंधन बहुत महत्व रखते, तो जिसे हम बात करें कि ग्रीष्मकाल में हम मूंग और उड़द के खेती ला वैज्ञानिक विधि से करत हन, तो शुरुआत जो जमीन की तैयारी होते वहाँ से लेकर के जन रोपण है वहाँ तक के, हम खाद के प्रबंधन में का का विशेष रूप से ध्यान देना है हमारे किसान भाई मल्ला बताते हैं। जैसे कि हम सब जन जानथन कि उड़द और मूंग के खेती जब हम करथन तो ये दोनों दलहनी कुल के पौधा है, तो दलहनी कुल के पौधा होए के कारण एला एकर नाइट्रोजन के जो रिक्वायरमेंट है या नाइट्रोजन के जो आवश्यकता है यह बहुत कम होते और स्फुर और पोटास के आवश्यकता पर्याप्त मात्रा में होते। तो किसान भाई मन ला यही है कि ओला जब भी उड़द एवं मूंग के खेती करना है तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम स्फुर एवं 20 किलोग्राम पोटास एकर प्रति हेक्टेयर के दर से किसान भाई मन ला उपयोग करना है। सबो मात्रा ला बुआई के समय ही बीज से थोड़ा सा 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे जमीन में देना है, कतार में बुआई करना है। और साथ ही साथ चूँकि ये दलहनी फसल है एक बार किसान भाई मन ला सलाह ये है कि एला गंधक के भी आवश्यकता होते। अच्छा। गंधक जेला हम सल्फर बोलथन तो एकर सल्फर के मात्रा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से बुआई के साथ में सल्फर के उपयोग या गंधक के उपयोग करना है और बुआई के साथ ही एक बार में देना है ताकि इनमें प्रोटीन के मात्रा के पर्याप्त मात्रा, मतलब जैसे कि दलहनी फसल है तो 22 से 24% 25% प्रोटीन के में प्रतिशतता पाए जाते। यदि हम गंधक के उपयोग करत हन तब प्रोटीन के मात्रा दलहनी फसल में बढ़ जाते, तो गंधक बहुत ही जरूरी है, एकदम आवश्यक है। आवश्यक है। डॉक्टर साहब बहुत सुंदर बात बताते हो आप। अब जो शुरुआत में बात कर रहे हैं कि जिसे हम खाद के प्रबंधन कर रहे हैं, अब खाद के प्रबंधन के संगे संग जिन पानी के जिन स्तर है या जल प्रबंधन कहा जा सकते, तो ग्रीष्मकाल में अगर हमारे किसान भाई मन है दलहनी फसल लेवत है या मूंग उड़द के फसल लेवत है, तो पानी के प्रबंधन में कौन कौन सी विशेष बात का ध्यान रखना है? जब भी हम ग्रीष्मकाल में कोई फसल लेथन तो हमारा सबसे पहली तो ये देखना है कि सिंचाई के उपलब्धता बिल्कुल सुनिश्चित हो। अच्छा, पर्याप्त मात्रा में हो, तभी हम किसान भाई मन ला सलाह देथन कि ग्रीष्मकालीन उड़द मूंग या कोई भी दलहन तिलहन के खेती करे। एला यदि जब हम उड़द में मूंग के खेती करत हन तो 70 से। डॉक्टर साहब एक फोन आवत हवे। हेलो हेलो किसान भाई। हेलो, हाँ किसान भाई, क्या नाम है आपके, कौन गांव ले बोला था? जी जी जी, आप मन अपन प्रश्न पूछो। मूंग अभी आप पूछना चाह रहे हैं कि मूंग अभी लगा सकते हैं क्या? हाँ, मूंग बिल्कुल, यदि आप अभी पिछली फसल क्या बोए थे उसमें गेहूं काट के लगाने की बात कर रहे हैं या बिल्कुल? वैसे तो उसका जो हम लोग वैज्ञानिक पद्धति से यदि खेती करते हैं तो उसका रिकमेंडेशन गेहूं काट के मूंग की खेती की जा सकती है, उड़द की खेती नहीं की जा सकती। और वैसे तो 10-12 अप्रैल के अंदर में आपको लगा देना चाहिए मूंग। अगर आपका खेत तैयार हो गया है तो आपको कल या परसों या नरसों, ये 2 या 3 दिनों के अंदर में आपको कैसे भी करके मूंग की फसल की बुआई करना है एवं कम अवधि में पकने वाले फसल की बुआई करना है। जी डॉक्टर साहब, हम गुठियात रहे हैं कि खाद के प्रबंधन के विषय में, जल प्रबंधन के विषय में गुठियात रहे हैं, तो मैं आप बताओ कि कैसे कैसे हमला जल स्तर ला समायोजित करके रखना है। बिल्कुल, गर्मी के समय है जब हम सिंचाई के बात करथन तो हमला पहला जो सिंचाई है करथन
तो जर्मिनेशन पर करथन। अच्छा। जब उड़द और मूंग के जब जर्मिनेशन हो जाते तो दूसरी जो सिंचाई हम करथन वो थोड़ा सा लेट से करथन, और ये कम से कम 15 से 20 दिन के बाद दूसरा सिंचाई ला करना चाहिए। अच्छा। एक अलावा जो अन्य सिंचाई है वो 8 से 10 दिन के अंतराल में किसान भाई मन ला करे के जरूरत पड़ते, काबर की जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते, जैसे कि हम अगर हम वर्तमान में आज की बात करथन तो वर्तमान में भी टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस या 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला थे, तो ए सीजन में किसान भाई मन ला सलाह यही है कि ओमन ला कम से कम 8 से 10 दिन के अंतराल में नियमित रूप से सिंचाई करे अपन फसल में। डॉक्टर साहब, एक संगे संग हम बात कर लेते हैं मौसम के भी, तो ग्रीष्मकाल के चलते चलते कहीं ना कहीं मौसम परिवर्तन घलोक होते, जेमा कहीं के पानी घलोक गिर जाते, और ऐसा समय में का करना चाहिए किसान भाई मल्ला ताकि उमा बीमारी ना पड़े। बिल्कुल, जैसे कि हम यदि ग्रीष्मकाल में खेती करत हन तो सबसे महत्वपूर्ण बात हमला ध्यान रखना है कि उचित समय पर बुआई। यदि हम कोई फसल नहीं बोए हन और हमारा ग्रीष्मकाल में उड़द एवं मूंग के खेती करना है तो एकर उपयुक्त समय है फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेके मार्च के पूरा महीना है। अच्छा, उचित समय है, लेकिन हम जैसे जैसे लेट करबोन तो हमार बुआई ला लेट करबोन तो टेम्परेचर बढ़े से ये हो ही कि उमें कीट पतंग के आक्रमण अधिक हो ही, एवं जो फ्लावर है जो पॉलन ग्रेन है वो सूख जाही और उतेक ज़्यादा फ्लावर सेटिंग नहीं हो पाही, ऊपर से बरसात में हमार फसल हा फंसी, मानसून के आए के बेरा हो जाही और फसल हा फंसी, तो उचित समय पे बुआई करना है। उचित समय के बुआई से मान ला जो सफ़ेद मक्खी है ओकर आक्रमण कम हो ही, साथ ही साथ जो पीला जो चितकबरा जो बीमारी होते जेला हम YMB या वायरस बीमारी बोलथन एकर आक्रमण है कम होगी, तो उचित समय सबसे इम्पॉर्टेंट है और समय पे बुआई से ही किसान भाई मन अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते। जी जी, डॉक्टर साहब, जैसे हम मन बात करें कि हाँ हमारा जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ बीज के घलो प्रबंधन करके रखे गए हमें किसान भाई मन पर, तो ये कहा जाए कि अगर बीज के जो प्रबंधन वहाँ करे गए हवे किसान भाई मन है वो बीज ला बो करके अपन बर बीज के तैयारी कैसे करके रखे। देखो, जब भी हम कोई फसल ला बोए के बात करथन तो हमन ला सबसे पहली ध्यान ये रखना है कि किस्म के चुनाव, उचित किस्म के चुनाव करना है, उचित संस्था से बीज ला लेना है, तो विश्वसनीय संस्था में हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विभाग के जो बीज निगम है नहीं, या कोई भी प्राइवेट फर्म से भी ले सकते, लेकिन बहुत ही विश्वसनीय संस्था होना चाहिए। जी जी जी। तो एक बार जैसे हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बात करथन तो किसान भाई ला बेचे बार फाउंडेशन सीड भी उपलब्ध है, ब्रीडर सीड भी उपलब्ध है, तो किसान भाई मन एक डॉक्टर साहब का फोन आवत है। हेलो हेलो। हाँ भैया नमस्कार, मैं तरह से भुवन भाई झांगड़े बोला था। जी भैया, भुवन भैया नमस्कार, आप मन अपन प्रश्न पूछो भुवन भैया। हाँ भैया, डॉक्टर साहब से मोर सवाल है, जिसे अभी उड़द मूंग की गर्मी खेती बारे में प्रश्न चलत है चर्चा। जी, तो अभी अचानक मौसम भी खराब हो जाते, गर्मी कभी कभी बारिश हो जाते, मौसम खराब हो जाते 2-3-4 दिन से, कीट नियंत्रण कैसे करना चाहिए भैया, कौन कौन सी बीमारी लग सकते हैं मौसम खराबी चलते। जी जी, जानकारी ना दे। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी अब ये कीट बीमारी के जो आक्रमण है वो ये सब पे डिपेंड करते कि आपके फसल है अभी का कंडीशन में है, मतलब वो फूल आए के सामान्य तौर पे जो अभी समय पे यदि बुआई हो ही तो अभी फूल आए से लेके फली बने के अवस्था है, तो ये समय में सर्वाधिक कीट पतंग के आक्रमण है होते, इनमें फली बेधक कीट है लगते, एक अलावा चित्तीदार जो चितकबरा जिला हम वायरस बीमारी बोलथन यही समय अटैक होते, और एला जो पीला वायरस रोग के नाम से हम जानथन, यह मूंग एवं उड़द में जो पुरानी पत्ती है वो में लगते, निचले पत्ती में, नया पत्ती में एकर आक्रमण हाँ नहीं हो या कम लगते, मुख्य रूप से पुराना पत्ती में दिखते, तो एला जो एकर से निदान पाना है तो चूँकि खेत में ये बीमारी है आ चुके हैं, तो
खड़े फसल में एकर कोई निदान नहीं है जी, एकर बार वो पौधा ला उखाड़ के आपला दूर जलाए लगी या दूर फेंके लगी। अब अगर हम नए एरिया में या और बाजू के खेत में एकर प्रकोप कम हो एकर बार हम सुरक्षा के उपाय कर सकथन। एकर बार एकर जो वाहक है ये जो वायरस बीमारी है यह कीट के सफ़ेद मक्खी या वाइट फ्लाई बोलथन ओकर से फैलते, तो हमला वो सफ़ेद मक्खी या वाइट फ्लाई के नियंत्रण करना जरूरी है। एकर बार किसान भाई मन इमिडाक्लोरप्रिट नाम के एक रस चूसक जो कीट आते ये जो सफ़ेद मक्खी है एकर बार सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड लगते, एकर बार इमिडाक्लोरप्रिट बहुत उपयुक्त दवा है। एकर किसान भाई मन आधा ml दवा लेना है, 1 लीटर पानी में ओला घोल बना के 15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना है। जी डॉक्टर साहब बहुत सुखर जानकारी आप हमारे किसान भाई मुला दे हो, एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो आप मन भी देखे सुने कि आप मन हाँ ग्रीष्मकाल में मूंग उड़द के खेती पर का उदीम करना है इला हमारे डॉक्टर साहब आप मन ला बताई सब है। तो संगवारी हो आप मन भी अपन वन क्षेत्र में सुघर ग्रीष्मकालीन मूंग के खेती उड़द के खेती ला करो। अगले अंक में नव विषय के संग फेराबो, तब तक बर जय जोहार।